म्यूजिक ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस आप भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना तो वीडियो को एंड तक देखना। गाइस कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइन मोशन ऐप की जरूरत है। आपके पास एलाइन मोशन ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइन मोशन ऐप का लिंक दे दिया। वहाँ से फिर भी नहीं हुआ तो आप क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं। वहाँ से एलाइन मोशन मोड ऐप के डाउनलोड करके वो जो फास्ट लिंक आएगा वहाँ से आप एलाइन मोशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस फिर आपको एलाइन मोशन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करके 9 जो 16 जो को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, जिस फोल्डर पर फोटो है उस फोल्डर को यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो चूज करना है, फिर ऊपर 3 डॉट पर जाके फिर कंपोजिंग एरिया करना है। करने के बाद इस सीआर आइकॉन पर क्लिक करके करंट फ्रेम पीएनजी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए फोटो एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको सेव दिखाई देगा, फिर आपको सेव कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको 5 फोटो को यहाँ से एडिट कर लेना है। फिर आपको और एक बार दिखा दे दो, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फिर 3 डॉट पर जाकर फिर कंपोजिंग एरिया करना है, फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके करंट फ्रेम पीएनजी क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। फिर आपको सेव कर लेना है। ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी 5 फोटो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को अगले का पार्ट बताता हूँ। सभी फोटो को एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। फिर आपको ये इफेक्ट और ये सॉन्ग बीट मार्क आप इस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आ जाके एलाइन मोशन पर इनपुट कर लीजिए। फिर आपको सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करना है। सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा 9 जो 16 साइज एड फोटो 1। यहाँ पर आपको टैब करना है, कलर एंड फिल पर आना है, फिर आइकॉन पर क्लिक करें, सिलेक्ट मीडिया पर जाना है। यहाँ से आपको उस एलाइन मोशन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चूज करना है और प्लस आइकॉन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। फिर गाइस आपको चले जाना है नेक्स्ट, यहाँ पर 9 जो 16 साइज ऐड फोटो 2। यहाँ पर जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आपको फोटो ऐड करना है, तो ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर आना है। यहाँ पर आपको लेआउट दिखाई देगा, तो लेआउट एक साथ में आपको कैसे फ़ोटो एडिट करना है वो आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आपको प्ले आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज करना है। चूज करने के बाद इस डबल आइकॉन पर क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से इस आइकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर करना है। फिर से इस आइकॉन पर क्लिक करके वो पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सारे को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जितने भी लेयर था उस सभी लेयर में एक ही बार में फोटो ऐड हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट फोटो पर। यहाँ से आपको एडिट ग्रुप पे आना है। एडिट ग्रुप पे जाने सेम तरीके से आपको यहाँ पर प्ले आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको इस आइकॉन पर क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से इस आइकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर करना है। फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सारे को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। ये तरीका एक साथ में फ़ोटो ऐड हो जाता है तो आपको टाइम भी बच जाएगा और फ़ोटो भी ऐड हो जाएगा गाइस। फिर आपको ये सेम तरीके से मैं और एक बार दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ से ये देखिए बहुत सारी लेयर है, इसमें एक एक करके आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो प्ले आइकॉन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। यहाँ से आपको एक फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इस आइकॉन पर क्लिक करना है, कॉपी लेयर करना है, फिर डिलीट कर देना है। फिर यहाँ से सेलेक्ट ऑल लेयर कर देना है। फिर पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके ये जो ब्लू है इसको अनटिक करके पेस्ट कर देना है। देखिए फोटो ऐड हो गया। तो ये सिंपल यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद ये जो लास्ट जो लेयर है सेम तरीके से आप फोटो ऐड कर लीजिए। तो मैं फोटो ऐड नहीं किया,
यहाँ पर जितने भी लड़ था सभी सॉरी जितने भी ग्रुप था सभी ग्रुप में फोटो ऐड हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है, बैक करके चले जाना है आपको इफेक्ट पर। यहाँ पर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। फिर आपको इस आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर देना है। करने के बाद ये जो फास्ट फोटो है उसको अनटिक कर देना है। फिर से इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी ऑल लेयर पर क्लिक करके बैक कर देना है। बैक करके बाद आपको यह बीट मार पर जाना है। यहाँ पर आने जाने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट ऑल लेयर कर देना है। पेस्ट ऑल लेयर करने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है नेक्स्ट लास्ट पर। यहाँ पर इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करना है। तो सिंपली से आपको उस एड लेयर को और एक बार यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो पार्ट है इसको कट कर देना है। तो गाइस वीडियो रेडी हो गया। गाइस एक्सपोर्ट करने के लिए इस सीआर आइकन पे क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।